माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्रोसिस की बाकी तीन टाइप्स देखते हैं। अब हम नेक्रोसिस की बाकी तीन टाइप्स देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्रोसिस के बाकी तीन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़ेंगे। कैजियस नेक्रोसिस, कैजियस का मतलब होता है चीज लाइक, यानी चीज जैसी। ये बिल्कुल वही खाने वाली चीज़ है जिसे उर्दू में पनीर कहते हैं। चीज़ की कई किस्में होती हैं। इसमें एक किस्म वाइट चीज़ है। वाइट चीज़ को जब फ्राई करते हैं तो जैसी वो दिखती है बिल्कुल वैसे ही इस नेक्रोसिस की किस्म में हमें ग्रॉसली नज़र आता है। कैजियस नेक्रोसिस मोस्ट ऑफन अकर्स इन फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। स्ट्रक्चरलेस कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड और लाइस सेल्स एंड एमॉर्फस ग्रेन्यूलर डेब्रिस इनक्लोज विद इन ए डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर। फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ग्रेन्यूलोमा। ये टीबी के इन्फेक्शन में होता है। सेलुलर डेब्रिस को WBC आके घेर लेते हैं, ये खास पैटर्न देते हैं। फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन को ग्रेन्यूलोमा कहते हैं। बाई तरफ कैजियस नेक्रोसिस की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। बीच में सेलुलर डेब्रिस है जिसे चारों तरफ से WBC ने सराउंड किया हुआ है या घेरे हुए है, और दाई तरफ लंग्स की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है जिसे हम पहली स्लाइड में फ्राई की हुई चीज़ की तरह देख चुके हैं। नेक्रोसिस इट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेसिस लीक आउट ऑफ पैंक्रियाटिक एसिनस एंड लिक्विफाई द मेम्ब्रेन ऑफ फैट सेल इन द पेरिटोनियल कैविटी। द रिलीज लाइपेसिस स्प्लिट द ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स contain within fat cells. The fatty acids combine with calcium to produce grossly visible chalky white areas, fat saponification. ये कोई खास पैटर्न नहीं है। ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सामने आता है जब पैंक्रियास से एंजाइम लीक करते हैं या रिसते हैं और पेरिटोनियम की फैट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फैटी एसिड कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर चौकी वाइट अपीयरेंस देता है जिसे हम फैट सेपोनिफिकेशन कहते हैं। फैट नेक्रोसिस ये कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सामने आता है जब पैंक्रियास से एंजाइम निकलते हैं या लीक होते हैं और पेरिटोनियम की फैट के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। ये फैटी एसिड जब कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलता है तो चौकी अपीयरेंस देती है जिसे हम फैट सेपोनिफिकेशन कहते हैं। बाई जानेब या लेफ्ट साइड पर इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और दाई जानेब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, यानी नेकेड आई अपीयरेंस जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया है। लेफ्ट साइड में या बाई जानेब इसकी हिस्टोलॉजी है और दाई जानेब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया नज़र आते हैं। बाई जानेब ये या लेफ्ट साइड पर इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और दाई जानेब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, यानी नेकेड आई अपीयरेंस जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस।
in immune reaction involving blood vessels. Complexes of antigen and antibodies are deposited in wall of arteries. Deposits of these immune complexes together with fibrin that has leaked out of vessels results in a bright pink and amorphous appearance in HE stains called fibrinoid fibrin-like. नेक्रोसिस की सबसे आखिरी किस्म है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. ये ब्लड वेसल्स में होता है जहाँ ऑटो इम्यून वैस्कुलाइटिस होता है. इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो आर्टरीज की वॉल्व में डिपॉजिट होते हैं. इन ब्लड वेसल्स से फिब्रिन भी लीक करता है जो इन इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर ब्राइट पिंक अपीयरेंस देता है जिसे हम फिब्रिनॉइड कहते हैं. Fibrinoid necrosis, an immune reaction involving blood vessels. Complexes of antigen and antibodies are deposited in wall of arteries. Deposits of these immune complexes together with fibrin that has leaked out of vessels results in a bright pink and amorphous appearance in H and E stains. Called fibrinoid fibrin-like. Necrosis की सबसे आखिरी किस्म है fibrinoid necrosis. ये blood vessels में होता है जहाँ autoimmune vasculitis होता है. इसमें antigen और antibody complexes बनते हैं जो arteries की wall में deposit होते हैं. इन blood vessels से fibrin भी leak होता है जो इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिलकर ब्राइट पिंक अपीयरेंस देता है जिसे हम फिब्रिनॉइड कहते हैं. साइड में जो पिंक लेयर है और सफ़ेद एरो से दिखाया गया है वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.